हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम बनाएंगे सिर्फ दो बूंद तेल से इतना टेस्टी नाश्ता, और इतना हेल्दी नाश्ता बनाएंगे जिसे आप बनाना बार बार प्रेफर करेंगे। और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी सूजी। तो अगर मेज़रमेंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सूजी ली है, और 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर दही लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके रख दिया है आधे घंटे के लिए। तब तक हम अपनी सब्जियों को अच्छे से कट कर लेते हैं, और हमें सब्जियों को बारीक बारीक काटना है। तो मैंने यहाँ पे सब्जियों में शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ली है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छी बनती है। तो देखिए, आधा घंटा हो चुका है और हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर यूज़ किया है, और इसी के साथ हमने इसमें 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर यूज़ किया है, और अब हमने यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पर इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाएंगे। ये टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मिलाई जाती है, और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ जाता है इससे, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। तो अब देखिए, इसमें हम अपनी सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल है आप वो सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, प्याज ऑप्शनल नहीं है बिल्कुल भी, प्याज आप ज़रूर से ऐड करें तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, पर अगर आप खाते हैं तो इसे ज़रूर डालिए। आप और कुछ डालें या ना डालें, पर प्याज का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, इसको अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद में हम यहाँ पर तैयार करेंगे एक तड़का। तो मैंने ले लिया है एक तड़का पैन, और जिसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, और इसी के साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून जीरा, हींग और लाल मिर्च और राई, ये सभी चीज़ें हम अच्छे से इसमें डाल करके, और इसमें आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो देखिए, राई वगैरह इस तरीके से हम पूरा तड़का तैयार कर लेंगे, और इस तड़के को हम अप्लाई करेंगे अपने बैटर में जो कि हमने दही और सूजी का बना के रेडी किया है। इसी के साथ अगर आपके पास करी पत्ता है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इतना तड़का बना करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस तड़के को अच्छे से हमें मिक्स करना है, और अब इस गैस को ऑन करके हम इसके ऊपर रख देते हैं आपे पैन। इसको हम प्री हीट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और जब ये अच्छे से हीट हो जाएगा तब तक हम अपने मिक्सचर में जो तड़का लगाया है उसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फुल फ्लेम पे हम प्री हीट होने के लिए इसको रखेंगे। और अब यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है जब हम बिल्कुल अप्पे में अपने पैन को डालने के लिए रेडी हो जाए। अब यहाँ पे हमने इसमें सोडा ऐड कर दिया, अच्छे से हमारा बैटर फूल गया, और बस बिना देरी के अब हम यहाँ पे इसे फिल कर देंगे अप्पे पैन में, और इसी तरह से सभी को इसमें रख देंगे। और अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छे से
स्टिक है, एक साइड से पकने के बाद में इसको दूसरे साइड से हमने पलट दिया है। और अब दोनों साइड से कम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे, हाई लो नहीं करेंगे। और इसी तरह से हमें इसे पकाना है, और बन के काफ़ी अच्छे से ये रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल गोल गोल, बिल्कुल 2 बूंद में हमारा ये सूजी का नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।